नमस्कार दोस्तों, रिव्यू सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपको भी प्रेगनेंसी के दौरान अपने योनि में दर्द आते हैं तो इसके पीछे आखिर क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको वैगिनल पेन आते हैं, इससे बचने के लिए आप कौन से घरेलू उपाय को अपना सकती है जिससे कि आपको योनि में दर्द ना हो। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले ऐसी ही प्रेगनेंसी से जुड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए और उस वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रिव्यू सपोर्ट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सबसे पहले बताते हैं, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान योनि में दर्द रहते हैं तो आखिर ये दर्द क्यों रहते हैं और ये दर्द आप में कैसे आते हैं। तो पहली कारण है, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान योनि में दर्द रहते हैं तो इसका प्रमुख कारण यह है कि आपके फैलोपियन ट्यूब में सूजन उत्पन्न हो जाती है जिसकी वजह से आपको बार बार दर्द रहता है। यह दर्द दो प्रकार के होते हैं। पहली प्रकार है, आपको लगेगा कि आपका योनि कट रहा है, ये पहली प्रकार है दर्द के। दूसरी प्रकार है, आपको चुभने जैसा दर्द होगा, ऐसा लगेगा कि आपकी योनि में कांटा सा चुभ रहा है। तो ये दोनों दर्द के प्रकार होते हैं और आपके योनि में दर्द दूसरी वजह से इसलिए आते हैं क्योंकि आपके योनि में वायरल इन्फेक्शन या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी में योनि में दर्द उत्पन्न हो जाते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आप प्रेगनेंसी के दौरान अपने योनि में दर्द होने से कैसे बचें या कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें जिससे कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान अपने योनि में दर्द कभी ना हो। तो पहली उपाय है, आप प्रेगनेंसी के दौरान अपने प्राइवेट पार्ट को हमेशा साफ रखें। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान अपने प्राइवेट पार्ट को हमेशा साफ रखती है तो इससे आपके फैलोपियन ट्यूब में सूजन नहीं आती है या आपको कोई इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता है जिसकी वजह से आपको योनि में दर्द नहीं आते हैं। दूसरी उपाय जो है वो है, प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने योनि को हल्का गर्म पानी से साफ करें हमेशा। अगर आप ऐसा करती है तो इससे आपका योनि बिल्कुल साफ रहता है और थोड़े बहुत जो जर्म्स योनि पर आ जाते हैं वो भी गर्म पानी से ख़त्म हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपके फैलोपियन ट्यूब में ना ही सूजन होती है और ना ही आपको कोई योनि में इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से आप योनि के दर्द से बच सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तीसरी वजह है, आप अपने सोने जाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आप बाएं करवट ज़्यादा सोना अच्छा महसूस करें तो आप बाएं करवट सोएं, क्योंकि बाएं करवट सोने से आपके ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से होता है जिसकी वजह से आपका ब्लड बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके शरीर में सभी जगह पहुंच पाता है जिसकी वजह से आपको योनि में खून जमा नहीं होते हैं और ना ही आपके योनि में दर्द होते हैं। अगली घरेलू उपाय है, आप कम से कम रोज़ाना आधे घंटे व्यायाम जरूर करें, स्पेशली आप उठक बैठक एक्सरसाइज जरूर करें। अगर आप इन चार घरेलू उपाय को अपनाती हैं तो इससे आपको प्रेगनेंसी के दौरान योनि में दर्द कभी नहीं होंगे। तो कैसी लगी आज की यह वीडियो? अगर आपके मन में प्रेगनेंसी से जुड़ी कोई सवाल आ रहे हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।